जब उस भटियारी की सराह में गया तो उस भटियारी ने उसको कत्ल करने की ठान लेते कटारी से सोचा कि सुभाष चंद्र बोस हो गया तो क्यों ना इसका कत्ल कर दे, जितनी भी माया इसके पास है वो तेरे पास रहेगी। लेकिन भगवान कैसे करने हुए कि जब वो भटियारी उसको कत्ल करने के इरादे से चली, सुभाष चंद्र बोस की आंखें खुल गई और न्यूके लागे के धोखा दे के परदेसी ने डाटा ना करते, घर आए मानस के सर में काटा ना करते के भटियारी तूने ये अच्छा नहीं किया, एक परदेसी के साथ में एक छल किया है। सजनों वहां से ही रात को निकल जाते हैं, चलते चलते बताया कि एक कुएं के ऊपर एक पणियारी पानी भरे थी, सुभाष चंद्र बोस ने उसको प्रणाम किया कि भगवान प्रणाम, कि कौन, कि मैं इलाहाबाद से आया हूं, कि इलाहाबाद से के हां, कि फिर हम भी इलाहाबाद से आए हैं, हम भी यहीं पर रहते हैं, जब से आजादी का बिगुल बजा मेरे पति को सजा हुई हम यहीं पर रहने लगे। सजनों उसने बताया कि मैं उत्तम सिंह की पत्नी हूं, कि फिर उत्तम सिंह कहां हैं, कि वे भी गए हैं, वे थोड़ी देर में भी वापिस आ लगे। बताते हैं कि जब उत्तम सिंह आए, उत्तम चंद आए, उनसे आपस में बातचीत होने लगी, इधर से वो उत्तम सिंह की पत्नी उस सुभाष चंद्र बोस को एक चौबारे में एक कमरे में ठहरा देती है कि आप यहां पर आराम करो। अब वहीं पे आसपास की कुछ पड़ोसन थी, कुछ सखी सहेलियां थी, पठान की लड़कियां, वे उस सुभाष चंद्र बोस को देख के न्यूके लागी, हे बे बे, हे यू कौन है और कहां से आया है, उसके बारे में आपस में कैसी बातें करती हैं, क्या बता के कहीं ये वो तो नहीं, क्या प्रमाण देने लगी, क्या बता दिया। Oh,
भाई सुरेंद्र पाल जी 51 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। ये हमारे गांव के जागरण के कलाकार भाई सुखी राम जी 51 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बहुत अच्छे कलाकार, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। बड़े भाई मदन मलिक साहब, मदन स्टूडियो यूट्यूब चैनल, बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग करते हैं, 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं भाई को, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद, धन्यवाद। Yeah.
प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हैं पंडित भगवान सिंह शर्मा जी और आज के हमारे मुख्य अतिथि जी पूर्व मंत्री योगराज सिंह जी, राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष अजीत राठी जी, राष्ट्रीय जाट संरक्षण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन बालियान जी,